था कि वो सब लोगों के नाम ले पाए नहीं ले पाया था। सास इतनी चल रही थी कि तीन चार नाम ले पाए केवल, बाकी वो ये कह रहा था कि पूरा घर है इन्वॉल्व, पूरा इन्वॉल्व, उनके बड़े दमाद सब लोग आए हुए थे। नरियावली थाना अंतर्गत हुए राहुल यादव हत्याकांड को लेकर अखिल भारतीय जिला यादव महासंघ के बैनर तले एकत्रित होकर समाजजनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को मुआवजा और शासकीय नौकरी दिलाने की मांग की है। बीते दिनों ग्राम सेमरा लहरिया में राहुल यादव को आग लगाकर हत्या करने का मामला सामने आया था। राहुल की मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यादव समाज के लोगों ने मृतक राहुल यादव के परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए शासन से परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी और 15 दिवस के अंदर आर्थिक सहायता के साथ ही साथ मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है दो परिवारों के बीच हुए विवाद को कहीं ना कहीं जातिवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। हमारे लिए सभी समाज सभी जातियाँ उतने ही आदर है जितना किसी वरिष्ठ का होता है, और मैं अगर किसी भी बंधु को किसी भी तरह से कोई शब्द या कोई इसी तरह, हम बिल्कुल नहीं चाहते इसको जाति रंग गत रंग दिया जाए, और हम इसके सख्त खिलाफ है। कोई भी जाति सही गलत नहीं है, व्यक्ति सही गलत होता है। हम अपराधी के खिलाफ है, हम किसी जाति किसी परिवार के खिलाफ नहीं, और ये बात मैं बहुत अच्छे से स्पष्ट करना चाहती हूँ। और किसी को अगर बुरा लगा तो हम क्षमा मांगते, लेकिन मैं आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आज इस मंच के माध्यम से और आपके नेटवर्क के माध्यम से मैं बोलती हूँ, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हम उस जाति का बहुत सम्मान करते हैं, हम सिर्फ अपराधियों के खिलाफ है और हम गलत करने वालों के खिलाफ है जिन्होंने गलत किया। बाकी किसी से हमारी कोई बुराई किसी भी तरह का कोई वैमनस्यता नहीं है, और न फैलाएं लोग। जब क्या नाम है आपका और आज यहाँ पर क्या प्रदर्शन हो रहा था? मैं देवेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी क्रांति सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ पर राहुल यादव हत्याकांड में ज्ञापन देने आए हुए हैं। किस तरह का प्रदर्शन आज आप लोगों ने? हम लोग का मौन प्रदर्शन है, श्रद्धांजलि है, और ये शासन को चेता भी रहे हैं कि ऐसी घटना जो ओबीसी पर हो रही है। आपने मांग क्या रखी हुई है? अपनी मुख्य मांग तो ये है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाए ताकि जल्दी न्याय मिल सके, क्योंकि अक्सर क्या होता है न्याय में लापरवाही होती है और लंबा समय लगने और प्लस कंपनसेशन और परिवार में एक व्यक्ति के लाने नौकरी की मांग की है। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो मामला है नरियावली हत्याकांड का ये मामला है, कहीं ना कहीं किसी तरह से जातिवाद के रूप में भी मुड़ गया है या मोड़ दिया गया है कहीं ना कहीं, तो आप इस बात को कितना सही मानते हैं? अब ये तो आप जानते हैं भारत की राजनीति, ये कुछ नेता हैं वो चाह रहे हैं कि ये मामला जातिगत बने, लेकिन हमारी मांग जातिगत ना होकर मुल्जिम होता अपराधी अपराधी है किसी भी जाति का। आज आपको क्या आश्वासन मिला यहाँ से? अब ज्ञापन देते हैं, बात करते हैं क्या दे रही है प्रशासन आश्वासन, फिर बताते हैं। अभी नहीं सर, ये जो आज यादव समाज के लोग इकट्ठे हुए क्या वजह से हुए, क्या ज्ञापन दिया है, क्या आपसे मांगे हैं इनकी? आज जो है अखिल भारतवर्षीय यादव जिला सागर के एक संघ के द्वारा यहाँ पर जो है खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में इकट्ठा होकर जो इनको जिला प्रशासन से अनुमति मिली थी ज्ञापन प्रदान करने की, उसी के एवज में ये लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के नाम से एक ज्ञापन हमें प्रदान किया गया है जो कि हमने प्राप्त किया है और वो हम हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के तक पहुंचा दिया जाएगा। क्या मांग? पूरा ज्ञापन हमने प्राप्त हुआ है, उसका ज्ञापन तो वहां पर हम उसको भेज देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24।